हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये तीन मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेबल होते हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया वीक्स के साथ में 23.22 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.07 पॉइंट का फॉल, लगभग 0.330% का फॉल देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली इंडिया वीक्स कल के मुकाबले आज वोलाटिलिटी कम देखने को मिली है मार्केट के अंदर में। कल जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा फॉल, स्पेशली निफ्टी के अंदर में जिस तरह का फॉल देखने को मिला था, आज के दिन में वो फॉल नदारद दिखा हमें। इनफैक्ट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 146 पॉइंट्स पूरा इंट्राडे में मूवमेंट दिया और बैंक निफ्टी ने 276 पॉइंट का मूवमेंट दिया पूरा दिन के अंदर में। इंडिया विक्स 24 तक नहीं पहुंचा, इनफैक्ट अगर सही ढंग से देखें तो 23.70 पे ही यूटर्न ले लिया और नीचे की तरफ 22.80 का लो बनाते हुए नजर आया हुआ है। निफ्टी 31.25 पॉइंट्स का गेन एंड बैंक निफ्टी 54.90 पॉइंट का फॉल। उसी के साथ में बैंक निफ्टी सक्सेसफुली 32,519 यानी 500 के ऊपर तो क्लोज दे दिया है, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट था उसकी वजह से आज फिर से लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 14,569 पे, निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा है 14,632 पे यानी प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। कितना? लगभग 36 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी प्रीमियम पे काम कर रहा है फ्यूचर्स का 706 पे काम, 32,706 पे काम कर रहा है यानी लगभग अगर आप देखें तो 200 पॉइंट्स के आसपास की, 180-185 के आसपास का यहाँ पे भी हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंस आपको 15,608 यानी 15 पॉइंट्स का फॉल एंड प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। सो पॉइंट वाइज अगर समझने की कोशिश करें तो निफ्टी का 31 पॉइंट्स का गेन है, बैंक निफ्टी का 54.90 पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है। कैंडल किस तरह के बने ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो इस तरह का नॉर्मल मूवमेंट, जिस तरह से हमेशा हम समझते हैं कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट आया, वो देखने को नहीं मिला हुआ है, नॉर्मल मूवमेंट हुआ है। डेरिवेटिव डेटा समझ लेते हैं कि क्या डेरिवेटिव के अंदर में एफ आई आई ने आज किस तरह की पोजिशन बनाई हुई है। सो पिछले कुछ दिनों से अगर आप एफ आई आई का लॉन्ग पोजिशन देखेंगे तो लॉन्ग पोजिशन कंटिन्यूसली कम हो रहा है। इनफैक्ट 82% के आसपास में लॉन्ग बना था और आज के दिन में जो लो बना हुआ है वो है 72.31% का। आज के दिन में फॉल कम हुआ है, कल 72.91% का लॉन्ग था, आज 72.31% का लॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से कंटिन्यूसली 3 दिन फॉल देखने को मिला था, आज के हिसाब से जो फॉल है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही। तो एफआईआई लॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में हमें जाना चाहिए। अगर इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी कुछ दिनों से कंटिन्यूसली लास्ट 3 दिन में कंटिन्यूसली हमें बिकवाली देखने को मिल रही थी, आज वो फिगर थमते हुए नजर आया और 9.1 करोड़ की खरीदारी हुई है। कैसे लेना चाहिए? डेफिनेटली पॉजिटिव ही समझ के चलना चाहिए इसे भी। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बिकवाली चालू है, एक दिन 696 करोड़ की बाइंग हुई थी, देन 1285 करोड़ की बिकवाली कल हुई थी, आज के दिन में
568 करोड़ की बिकवाली हुई है। यहां से थोड़े से नेगेटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो फिलहाल यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फिगर जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन इंडेक्स की, जहां पे FII ने आज के दिन में 1102 करोड़ रुपीज, सो लेट्स से 1112 करोड़ रुपीज की बाइंग की है। अब FII क्या ऑप्शंस के अंदर में बाय करके काम करते हैं? नेकेड बाय डेफिनेटली नॉट, यहाँ पे वो राइटिंग करना ज्यादा प्रिफर करते हैं, लेकिन जब वो किसी पोजीशन को हेज करते हैं तो हेजिंग के लिए ऑप्शन बाय की जाती है। तो 1112 करोड़ की बाइंग बहुत ज्यादा, ये बड़ा फिगर है ये, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज एक्सपायरी थी, जिस तरह से मैंने बोला कि राइटिंग करके काम की जाती है, सो आज के दिन में वो अनवाइंड पोजीशन करेंगे, अनवाइंड पोजीशन करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा। सो ये फिगर आज के दिन में ऐसा समझ के चलना चाहिए कि एक्सपायरी के वैसे बाइंग देखने को मिल रही है। अगर सेम ऐसा फिगर कल के भी दिन देखने को मिला तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट एक बार आपको नीचे के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। फिलहाल आज के लिए इसे न्यूट्रल समझ के जाया जा सकता है। कैश पोजीशन के बारे में डिस्कस करें, FII ने कैश के अंदर में 1076 करोड़ की बाइंग की है। DII सरप्राइजिंगली आप बोल सकते हैं आज के दिन में बहुत ही छोटा फिगर नजर आ रहा है, -188 करोड़ रुपीस, यानी अब तक जो 2370 करोड़, 1340 करोड़, 2610, 2372 ये जो फिगर्स के नंबर आ रहे हैं, सरप्राइजिंगली सिर्फ और सिर्फ 188 करोड़। अगर DII अपना जो उनका ट्रेंड है अगर उसे चेंज करता है तो ये जो रैली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिली है, इसके अंदर में काफी अच्छा पॉइंट्स एडिशन हो सकता है। वन ऑफ द केस बोल सकते हैं, आज 188 करोड़ की बिकवाली की हुई है, कल का नंबर फिर देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव में आता हुआ नजर आया तो डेफिनेटली 200-300 पॉइंट इंडेक्स में आपको नेक्स्ट वीक में इजिली एड होता हुआ नजर आ सकता है। सो FII और DII की पोजिशन भी मैं मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही समझ के चल रहा हूँ फिलहाल के टाइम पे। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, पुट कॉल रेशियो, कल हमने पुट कॉल रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, समवेयर क्लोज टू 1.46, एंड मैंने क्लियर कट बोला था एक्सपायरी के दिन में ट्रेडिंग करते समय पुट कॉल रेशियो पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज के दिन में चेंज होके ये 1.47 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब 1.47 मैं समझता हूँ न्यूट्रल है, ना ही ओवरब्रॉट है ना ही ओवरसोल्ड है, मतलब क्या, अगर ये 0.20 नीचे जाए तो पोजिशन लॉन्ग करनी चाहिए, और 0.20-0.25 ऊपर जाए तो पोजीशन शॉर्ट बनानी चाहिए हमें। सो ये बात हो गया डेरिवेटिव डेटा के बारे में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सी पोजीशन बनाई हुई थी। सो आज के पोजीशन के बारे में हम बात करें तो आज हमने बाय किया था 14,550 का कॉल ऑप्शन, एवरेज किया था 23 के आसपास में एंड 39 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ किया हमने, 69.57% और 2400 रुपीस, आप जिस तरह से समझे ये यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो आपको यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहा होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो 8291802926 के ऊपर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सो दैट मेरी टीम आपके फोन पे ये ट्रेड पहुंचाने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीसरा वीक मंथ के एक्सपायरी के पहले वाला, इस वीक के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। सो निफ्टी बढ़िया रैली दिखाते हुए नजर आया। क्यों मैं बोल रहा हूँ बढ़िया रैली? पहला रीजन, जहां पे आपने ओपनिंग दी है वहां से ऊपर आपने क्लोजिंग दी है। दूसरा, कल के दिन हमने डिस्कस किया हुआ था कुछ लेबल्स, 14,475 क्लियर कट हमने लेबल्स के बारे में बात किया था कि अगर इसके आसपास में मिले तो लॉन्ग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,435। कुछ सेकंड के लिए आया लेकिन उसके बाद में बढ़िया रिवर्सल देते हुए नजर आया हुआ है। 15,600 भी तोड़ा हमने लेकिन 15,600 के नीचे क्लोजिंग हुई है। सो क्या करना चाहिए? लेबल्स इंटैक्ट हैं, लेबल्स अभी भी वहीं के वहीं हैं, यानी अगर नीचे की तरफ 14,524 के आसपास में मिले तो एक बार आपको लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग बनाइए। एग्रेसिव लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग बनाना है लॉन्ग बनाइए, स्टॉप लॉस रखना है थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रहेगा, लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा 14,420 के आसपास में। अगर आप थोड़े अगर कंजर्वेटिव हैं
तो 14,475 के आसपास में लॉन्ग बनाने की सोचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,420। टारगेट क्या बन रहा है? टारगेट लिया जा सकता है कल के दिन के लिए। मुझे लग रहा है कल आपको एक बार लाइफ टाइम हाई फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है, तो 14,650 के ऊपर ही बात करिए, ये टारगेट आपके पास में आता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट करना है क्या? बिल्कुल नहीं, शॉर्ट फिलहाल नहीं करिए, क्योंकि मार्केट अगर आप जिसे कल का दिन हुआ था ठीक है बढ़िया फॉल देखने को मिला था, एक आध दिन वैसा मिल जाता है। एंड अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा तो मैंने क्लियर कट बोला था कि 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है, सो मिला भी, लेकिन पुट बाय करके फिलहाल फ़ायदा नहीं होना है। आपको 10 ट्रेडिंग सेशन में 8 ट्रेडिंग में सेशन में कॉल बाय करके ही फिलहाल प्रॉफिट होगा, तो पुट के चक्कर में फंसने की कोशिश मत करिए, कॉल पे ही काम करिए एंड ऊपर की तरफ का ही लेवल एक्सपेक्ट करके चलिए निफ्टी के अंदर में। अगर डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल में बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि हायर हाई टूटते हुए नज़र नहीं आया। लास्ट टाइम अगर आप देखें कब हुआ था, 22 दिसंबर को ये हुआ था और अब 14 जैन को ऐसा होता हुआ नज़र आया। हायर हाई हायर लो नहीं टूटते हुए नए, इनसाइड कैंडल ही बनता हुआ नजर आए, बट बैरिश नहीं है ये। बैरिश कब तक नहीं है? जब तक आप 14,434 को तोड़ के नीचे की तरफ काम करना चालू नहीं करते, क्योंकि अभी तक तो 14,434 पे बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, चलिए आगे मूव करते हैं और ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मूवमेंट मिलता हुआ हमें नजर आ सकता है। 21 जैन का ऑप्शन हम देख रहे हैं एंड क्लोजिंग हुई है 14,595 के आसपास में, सो 14,600 विल बी एट द मनी। लेट्स टॉक अबाउट 14,600। ना 14,600 की बात करें तो 23,223 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें 14,600 में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 25,394 का 15,000 पे। इवन अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे तो 15,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो रेजिस्टेंस 14,800 पे नजर आ रहा है। 14,500 इन द मनी में आपको 11,940 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्वाड्रन 1 राइटिंग है, क्वाड्रन 2 में राइटिंग है, क्वाड्रन 3 एंड 4 के अंदर में भी राइटिंग हुई। जब आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली इस तरह के आपको राइटिंग देखने को मिलते हैं चारों क्वाड्रन के अंदर में। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखिए, पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा 20,000 का ओपन इंटरेस्ट 14,500 के आसपास है। 16,836 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 14,400 पे देखने को मिल रहा है। 14,400 जैसा चार्ट पे भी हमने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ के रिस्क ओपन होंगे आपके लिए। 14,200 14,100 के लेवल्स भी एक बार देखने को मिल सकते हैं। सो रेंज क्या है? रेंज फिलहाल 14,400 से 14,800 की समझ में आ रही है। बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो बड़ी रेंज आपको 14,000 से 15,000, मुझे नहीं लगता इसके आसपास में इस रेंज की जरूरत भी पड़ेगी, बट 14,400 नीचे की तरफ एंड 14,800 ऊपर की तरफ इस वीक में देखा जा सकता है। ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। अगर व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बीइंग विथ अस एज अ प्लेटिनम मेंबर। होप आप उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।